आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ओल्ड कैमरे के बारे में बताऊंगा, जो पहले रील वाले कैमरे आते थे। ये देखिए मेरे पास जो है दो कैमरे हैं। वैसे ये एक जो है ये याशिका का है और एक ये ऐसे ही लोकल है, इसका कवर भी जो है फट गया। तो इनके बारे में बताऊंगा पूरा, इनमें क्या क्या फंक्शन है सब दिखाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपके जो है पुराने कैमरों के बारे में नॉलेज बढ़े। मैं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं इस कैमरे को दिखाता हूं। ये देखिए इसका कवर फटा हुआ है। ये जो है थोड़ा लोकल कंपनी का ही है। ये बहुत पहले लिया था, ये भी करीब जो है समझ लीजिए 90 से पहले ही लिया था। 32-35 साल पुराना है ये। इसकी कंपनी तो ऐसे ही है, स्नैपर 300F। और इसमें ये देखिए आगे लिखा हुआ है, इसका जो है लेंस जो है 38mm से लेकर 46mm तक है। ये देखिए 38mm से लेकर, अगर आपको ये देखिए नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे 46mm तक है। ये यहाँ से सेटिंग इसकी होती थी तो लेंस की जो है सेटिंग बदल जाती थी। और फोकस जो है ये देखिए 5.6 का फोकस है ये। तो पहले ये रील वाले आते थे, इसमें ये देखिए ये आपका जो है इसमें ये फ्लैश है, फ्लैश को ऑन करना होता था तो इधर कर देते थे, ये फ्लैश ऑन हो जाता था और ये रील घुमाने के लिए होता था। और ये इसका जो है शटर के लिए, फोटो खींचने के लिए बटन दबाना पड़ता था। और इसमें जो है ये यहाँ पे आता था कितनी रीलें हो गई हैं, यहाँ पे ये नंबर। और ये जब फ्लैश रेडी हो जाता था तो यहाँ लाइट जल जाती थी। अभी मैं इसमें सेल डाल के दिखाता हूँ आपको। और ये पकड़ने के लिए इसकी ये यहाँ से ये देखिए ग्रिप बनी हुई है, तो ऐसे चलता था। इसको खोल के भी दिखाता हूँ, जैसे खोलना हो तो इसको जैसे यहाँ से खोल के इसको बाहर खींचा जाता है। बाहर खींचेंगे तो ये देखिए ढक्कन ऊपर आ गया और ये ढक्कन जो है ऐसे खुल जाता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे रील लगती थी। रील तो अब मिल नहीं रही, रील तो आ ही नहीं रही। तो आज क्योंकि 2022 चल रहा है और ये 90 का 32-35 साल, तो रील को भी डिजिटल कैमरे आए हुए करीब 10-15 साल हो गए हैं, तो रीलें वीलें सब जो है गैब हो गई। रील यहाँ लगती थी, यहाँ से इसके ऊपर से आके इसमें फंस जाती थी और इसको जो है हम लोग जैसे यूं करते थे, यूं चला के फिर ये देखिए यहाँ से इसको वो करते थे। ये देखिए आप इसमें देखिएगा तो आपको नीचे कागज नजर आएगा। जब जो है इसकी जो है मैं क्लिक करूंगा तो नीचे वाइट कागज, ये देखिए शटर इसका काम कर रहा है, अंदर शटर जो लगा हुआ है। ये देखिए ये जैसे ये किया, ये रील चली और ये देखिए। अब इसमें मैं जो है सेल डाल के दिखाता हूँ, देखते हैं इसका फ्लैश चलता है कि नहीं। काफी पुराना है ये और काफी टाइम से बंद भी है। ये देखिए रिचार्जेबल सेल है मेरे पास। मेरे पास अभी जो डिजिटल कैमरा है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो भी जो है आप लोगों ने पसंद किया है, तो उसके लिए डिजिटल ये जो है रिचार्जेबल जो है ये सेल है मेरे पास। तो इसको इसमें डालते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें टूटी भी हुई हैं, यहाँ से इसका ये टूटा हुआ है, पता नहीं खोलने में टूट गया है। अब इसमें ये सेल देखिए पड़ते हैं, सेल आना इसको हम लोग कर देते हैं बंद। इसका इसको बंद कर दिया, ये देखिए सेल, सेल डालने के लिए पॉजिटिव बना है। ये देखिए यहाँ पे इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर निगेटिव, तो ये इधर वाला सेल ऐसे लगेगा और ये निगेटिव है तो ये सेल ऐसे लगेगा। इसको पहले फ्लैश को बंद कर देते हैं। जैसे ये इसका लॉक तो टूटा ही हुआ है, मैं हाथ से ही दबाता हूँ। ये देखिए जैसे ये है, इसको भी बैठा दिया। अब ये है जैसे, अब इसका देखिए ये निकालते हैं बात। ये देखिए अगर कुछ आवाज एक आई है, इसका मतलब जो है फ्लैश जो है काम कर रहा है। इसकी लाइट देखें जलती है कि नहीं, लाइट जलनी चाहिए। यहाँ ये जो लाइट है ये देखिए जल गई लाइट, इसका मतलब जो है फ्लैश इसका सही है। अब इसको हम फ्लैश दिखाने के लिए जैसे ये है इसको आगे किया, और अगर मैं इसको फ्लैश दिखाता हूँ तो ये देखिए ये बटन दबाएंगे, ये देखिए फ्लैश चला और फिर ये लाइट बंद हो गई। अभी फिर ये देखिए फ्लैश रेडी, ये फ्लैश रेडी की लाइट है कि फ्लैश रेडी है, जब ये जल जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसको मैंने आगे घुमाया और अब यहाँ पे नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इसमें ये देखिए फिर चलाएंगे तो ये देखिए
और एक आवाज सी आती है, उससे पता चलता है कि ये जो है चार्ज हो रहा है, ये इसका फ्लैश तो काम कर रहा है, ये देखिए लाइट जल जाती है। फिर जैसे आगे घुमाते थे तो इसमें नंबर चेंज हो जाता था, और इसको फिर जैसे चलाएंगे तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ मैं करता हूँ तो ये देखिए नीचे की तरफ जो है लाइट काफी हो गई। तो इतना पुराना होने के बावजूद भी जो है इसमें फ्लैश काम कर रहा है ये, जैसे ये देखिए। और दूसरा कैमरा भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसकी जो है इसमें एक चीज़ है, इसका जो है लेंस की क्वालिटी सही नहीं है, इससे फोटो उतनी अच्छी नहीं आती होगी। लेंस इसका ऐसे ही है सस्ता वाला, और यहाँ से देखने के लिए था कि जैसे ये देखना हो यहाँ से नीचे, ये देखिए इस जगह से देखने के लिए कि फोटो जो खींचनी है उसको हम देख सकते हैं कि जो है उस फोकस, ये इसका फ्रेम है, इसमें देख के जो है जो नज़र आएगा उतनी ही फोटो आएगी। तो इसको मैं हटा के अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ, ये देखिए ये है याशिका का कैमरा। याशिका अच्छी कंपनी मानी जाती थी, इसका कवर भी ठीक ठाक ही है, और इसको खोलने के लिए जैसे ये यहाँ से खोला और ये यहाँ से खुल गया, और इसको बाहर निकालना हो तो जैसे पूरे कवर से ही बाहर निकालना हो तो इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, यहाँ से इसको खोल के, क्योंकि ये पूरा ही बाहर आ गया, ये कवर को किनारे रख देते हैं। ये देखिए इसकी तो क्वालिटी ही अलग होती है। इसका ये भी आगे का थोड़ा सा निकला हुआ है, ये शायद चिपका हुआ था, ये बड़े बड़े चीज़ें सब खराब हो जाती हैं, ये ऐसे लगेगा, ये देखिए इसके साथ ये चिपका ही होता है केवल। इसमें ये यहाँ पे देखिए सेंसर लगा हुआ, ये लेंस, इसकी लेंस की क्वालिटी अच्छी है, देखिए कितना अच्छा चमक रहा, इसकी लेंस की क्वालिटी अच्छी है। और इसमें देखिए इसमें तो खैर सिस्टम ही सब अलग हैं, इसमें ये देखिए जैसे इसको यहाँ से किया जाता है रील को बढ़ाने के लिए, यहाँ से इसको आगे किया और यहाँ से इसको ये देखिए दबाया, फिर ये आगे किया और फिर ये बटन है, ये देखिए ये फोटो खींचते ये। और इसमें ये देखिए याशिका वाले में इसमें ये टाइमर भी है, ये बटन जो जैसे इसको टाइमर है, यहाँ से इसको नीचे कर दिया और अब इसको कहीं रख दिया और ये बटन नीचे दबा दिया, अब ये देखिए ये बटन पूरा नीचे दब गया है, ये देखिए अब ये आवाज आ रही है तो ये चीज जो है घूम रही है, और जब ये घूमती घूमती अपनी जगह पे आ जाएगी तो वो बटन भी ऊपर आ जाएगा, ये देखिए ये इसने जो है फोटो खींच ली। और सेल डालते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसका जो है वो फ्लैश काम करता है कि नहीं। इसका ये टाइमर तो खैर बढ़िया है, ये देखिए जैसे ये किया हमने इसको यूं कर दिया, ये देखो वो बटन दबा हुआ है, टाइमर इसका जो है ऊपर आ रहा, पुराना होने के कारण ये देखिए थोड़ा सा फंस गया है, ये देखिए आ रहा, ये देखिए ऊपर आ गया, काम कर रहा है। लेकिन पड़े पड़े चीज इतने सालों से पड़ा हुआ है तो पड़े पड़े जो है ये चीज़ों में जंग लग जाता है, खराब हो जाती है। फिनिशिंग इसकी सही है, ये देखिए पूरा ये सब अच्छी क्वालिटी का है, जैशिका अच्छी कंपनी थी। और इसका ये चीज़ जो चिपकी होती है ये थोड़ी सी इसकी जो है वो मेरे ख्याल हट गई है। और ये देखिए याशिका लेंस, इसमें 38 mm का है लेंस, 38 mm का है, और इसका फोकस जो है 1/3, ये 1 और ये 3.8 का है। इसका लेंस की क्वालिटी अभी भी देखिए अच्छी लग रही है। और इसमें ये भी एक चीज़ है, इसका भी मैं सिस्टम बताता हूँ, इसमें सेल डालते हैं फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है काम कर रहा है कि नहीं फ्लैश। इसमें सेल डालने के लिए देखिए ये बना हुआ है, ये तो खैर इसका सब सही है, इसको इधर किया और इसको ऐसे खोल के इसमें इधर ये देखिए यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, तो प्लस के लिए हम इधर यूँ डालेंगे, ये डाला, और इसमें जो है माइनस है तो यूँ ऐसे सेल पड़ेंगे, देखिए ऐसे सेल डालें इधर प्लस इधर माइनस, ये डाल के इसको हमने जो है नीचे करके बंद कर दिया, ये लॉक भी हो जाता है। इसमें जो है इसको बाहर निकालते हैं, देखें बाहर निकाला, लेकिन इसमें कोई जो है आवाज़ नहीं आ रही, तो लग रहा है कि इसका जो है फ्लैश काम नहीं करेगा, इसमें कोई भी जो है आवाज़ नहीं है, जैसे उसमें एक सीटी सी आ रही थी इसमें नहीं आ रही। और ये जो चीज़ हिल रही है इसको भी चिपका सकते हैं, लेकिन अब इनका यूज़ ही नहीं तो चिपका के क्या करेंगे। ये देखिए इसमें एक चीज़ है कि ये भी नहीं जली, तो इसका मतलब ये फ्लैश इसका जो है ख़राब है। इसमें ये देखिए अंदर एक लाइट जलती है, ये देखिए इसमें आप देखेंगे तो जब फोकस के लिए है तो इसमें एक लाइट जलती है कि उससे पता चल जाता है कि सेल इसमें पड़े हैं, ए
दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं ये बंद हो गई, ये जल गई एलईडी के अंदर। ये देखिए इस बटन को मैं दबाता हूँ तो ये देखिए ये लाइट इसमें एक जलती है, ये इसमें एक एलईडी लगी हुई है, सेल पड़े हैं तो ये जल रही है। और इसमें ये टाइमर का भी है कि जैसे यहाँ देखिएगा इस जगह जो है, इस जगह टाइमर, जब टाइमर को काम करेंगे तो इस जगह एक एलईडी जलेगी। जैसे हमने ये टाइमर लगा दिया उसके बाद हमने इसको ऐसे आगे कर दिया, अब इसको हमने दबाया, ये देखिए यहाँ ये एक लाइट जल गई, इस जगह पे लाइट जल गई है। अब ये टाइमर जो है ये जब वापस आएगा और वो फोटो खींच जाएगी तो लाइट बंद हो जाएगी, ये देखिए लाइट बंद हो गई। तो रात के टाइम तो बड़ी अच्छी लाइट ये नज़र आती होगी दूर से, और पता चलता होगा कि हाँ भाई जो है टाइमर कब ऑफ होगा। ये देखिए जैसे किया और इसको हमने इधर कर दिया, ये देखिए ये लाइट जल रही है, टाइमर ऊपर आ रहा, टाइमर का स्प्रिंग लग रहा कुछ गड़बड़ हो गया, ये देखिए। ये देखिए याशिका कंपनी बहुत ही अच्छी याशिका कंपनी मानी जाती थी, लेकिन चीज़ जब यूज़ नहीं होती तो पड़े पड़े हो जाती है ख़राब। और ये याशिका का ये इसका फ्लैश तो ख़राब है, ये देखिए डी एक्स मॉडल है, और इसका लेंस भी बहुत अच्छा है, और इसमें सारे ही फंक्शन सारे ही सिस्टम अच्छे हैं, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, अगर खोलना हो तो ये जो चीज़ बनी हुई है इसको हम ऐसे ये देखिए खिसकाते हैं तो ये ढक्कन ऊपर आ गया, ये देखिए अंदर से इसकी क्वालिटी ही अलग है, एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जैसे पेंटेक्स वगैरह के कैमरे आते थे, मेरे पास जो है बड़े कैमरे भी उस समय थे SLR वाले, पेंटेक्स का एक था एक जेनिस का था, तो वो दोनों जो है बेच दिए क्योंकि उनका ज़माना जो है चला गया। ये देखिए अंदर से यहाँ रोल लगता था और वो रील यहाँ से होके यहाँ पे इससे फंसती थी, और जब फ़ोटो खींचनी होती थी तो इसको इधर किया जाता था, जैसे ये इधर किया और उसके बाद ये बटन, ये देखिए इसमें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इधर किया तो आप नीचे कागज़ देखिएगा नज़र आएगा, ये देखिए इसमें ये देखिए हल्का सा वो आता है नज़र, शटर जब चलता है, ये देखिए इसमें जैसे ये देखिए ये देखिए हल्का सा। तो सब कैमरों की अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। याशिका के इस कैमरे की क्वालिटी सबसे ही अच्छी है, उस समय सबसे महंगा था कैमरा, ये भी जो है 90 से पहले का ही लिया हुआ है। इसकी देख रहे हैं फिनिशिंग, अभी तक जो है फिनिशिंग खराब नहीं हुई, इतने टाइम से पड़ा हुआ लेकिन तब भी जो है ये सही है। ये देखिए रील जो है इसके ऊपर से होके जाती थी, यहाँ चिपक चिपक के साथ में इसके रहती थी ताकि जो है उस पर एकदम लाइट पड़े तो अच्छी फोटो आए। और ये देखिए जब बंद करते हैं तो ये यहाँ पे शीशा लगा है, ये वाला ये शीशा जो लगा है, ये इसको जब बंद करते थे तो यहाँ से नज़र आता था इस जगह से कि रोल अंदर है ये, और जब उसको लपेटना होता था पूरी हम लोग फोटो खींच लेते तो उसमें 32 होती थी, तो इसको जैसे ये यहाँ से ये देखिए यूं किया और ये चीज़ नीचे वाली इसको दबा देते थे, यूं दबा के इसको यूं करके लपेट लेते थे सारी, तो रील जो है सारी रोल के अंदर आ जाती थी और जो है हमारा रोल एकदम तैयार हो जाता था। उसको फिर जो है यहाँ से निकाल के उसको हम लोग निकाल के डेवलप करने के लिए देते थे, उसको जो डेवलप किया जाता था और स्टूडियो में, और उससे जो है फिर बनती थी फोटो। तो इसमें इन कैमरों में ये था कि लेकिन जो है फोटो खींचते थे तो पता नहीं चलता था फोटो में जो है आंखें बंद आ रही हैं या फोटो कैसी आ रही है, वो सब चीज़ें जो है नहीं पता चलती थी। आजकल डिजिटल कैमरे में फोटो खींचिए और तुरंत देख लीजिए फोटो कैसी आई है, सही नहीं आई तो तुरंत उसको डिलीट करके दूसरी फोटो खींच लीजिए, तो फ़र्क तो है ही बहुत पहले और अब के ज़माने में। तो मैंने कहा ये कैमरे दिखा दूँ, अब ये धीरे धीरे गैप हो जाएंगे, इधर उधर आदमी इनको हटा देगा, ये चीज़ें जो जिस चीज़ का यूज़ ना हो उसको कब तक आदमी रखेगा, इसको हटा दिया जाएगा तो ये सब जो है गैप हो जाएंगे और बच्चे पहले वाली चीज़ देख नहीं पाएंगे। इसीलिए वीडियो बनाया था कि आप देख सकिए, यहाँ देखिए यहाँ पे इस जगह पे रील का
नंबर आता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि इसमें जो है नजर नहीं आता। ये याशिका का ये देखिए, ये मॉडल नंबर है MF2। तो आज का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।